नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स अकाउंट के साथ आपको जो चेकबुक मिलती है वो किस प्रकार की है और वो कितने दिनों में बदलाव किया गया है। तो चलिए इसके ऊपर हम आज सारे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि अगर आपने पोस्ट ऑफिस में बहुत साल पहले सेविंग्स अकाउंट खोला होगा तो आपको कुछ इस प्रकार की चेकबुक दी होगी, जो कि ऐसा है चेक। ये जो चेकबुक है इसमें ना तो MICR नंबर रहता है, ना ट्रांजेक्शन कोड रहता है, ना ही पोस्ट ऑफिस का कोई एड्रेस या सिंबल वगैरह आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है। ना ये वाटरमार्क है और ना ही ये CTS है। ये चेकबुक आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस से विड्रॉ करने के लिए ही यूज में आती थी। हो सकता है उसके बाद आप इस चेक को इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज कर सकते होंगे, और ना ही आप किसी इसको दूसरे ब्रांच से जाके विड्रॉ करने के लिए ये यूजफुल था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे चेंज किया। इस चेकबुक आप देख सकते हैं, ये छोटी चेकबुक है, उसके बाद इस प्रकार की है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इस प्रकार का चेकबुक बनाया पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का। तो आप यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें भी आप देखिए पोस्ट ऑफिस का लोगो नहीं है, सिर्फ चेक नंबर दिया गया है, ना ही MICR नंबर है और ना ही ट्रांजेक्शन कोड वगैरह कुछ है, और ये भी CTS चेक नहीं है और ना ही इसमें वाटरमार्क है। तो ये चेक भी जो इश्यू किया गया था, इससे भी आप सिर्फ अपने होम ब्रांच में विड्रॉ कर सकते हैं और ना ही किसी को आप पेमेंट के लिए इस चेक को दे सकते हैं कि वो अकाउंट में क्लियरिंग हो जाए, ना आप अपने खुद के अलग कोई बैंक अकाउंट में इसे क्लियरिंग के लिए डाल सकते हैं। तो जैसे जैसे पोस्ट ऑफिस डेवलप होता गया, CTS अभी हो गया है जैसे कि कोर बैंकिंग सर्विस, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बाद इसी प्रकार का ही कुछ इस तरह का दिखने वाला चेकबुक बनाया, पर इसके अंदर सारे फीचर्स अलग किए हैं। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, अब इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चेकबुक बनाया। इसमें आप साफ देख सकते हैं यहाँ इंडिया पोस्ट का लोगो दिया गया है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक उसका एड्रेस भी दिया गया है, कहाँ किस ब्रांच का है, और साथ ही यहाँ आप देखिए CTS ये भी दिया है और यहाँ वाटरमार्क भी है, और इसके साथ यहाँ चेक नंबर 6 डिजिट का चेक नंबर है और 9 डिजिट का MICR नंबर है, साथ ही 2 डिजिट का आपका ट्रांजेक्शन कोड है। यानी आप ये वाला चेक से 2-3 काम कर सकते हैं, आप अपने पोस्ट ऑफिस से विड्रॉ कर सकते हैं, साथ ही आप किसी भी इंडिया में पोस्ट ऑफिस से भी इसे विड्रॉ कर सकते हैं इस चेक के द्वारा, या फिर आप अपने पोस्ट ऑफिस में इस चेक का उपयोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर आप ये चेक किसी थर्ड पर्सन को दे सकते हैं। अगर आपको सपोज किसी को पैसे देने हैं तो आप ये चेक, जैसे कि बैंक चेक हमें यूज करते हैं बिजनेस पर्पज हो या कोई भी लेन देन करना हो, तो आप ये चेक दे के अगर किसी को आप देते हैं और अगर अपना अकाउंट में डालता है तो ये आपका 3-4 दिन के अंदर जो भी इसका टाइम पीरियड है उसमें क्लियरिंग हो जाएगा। अगर आप इस चेक को अपने भी बैंक अकाउंट में डालेंगे तो ये 2-3 दिन में क्लियरिंग हो जाएगा, यानी आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से पैसे डेबिट होके आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये वाला नया चेक सिस्टम गवर्नमेंट ने लेके आया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें यही है, अभी भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी पूरी चालू नहीं हुई है, शायद इसे कुछ दिन लगेंगे और अपडेट होने में। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं नाम प्रिंटेड अभी नहीं आ रहा है, ना ही इसमें अकाउंट नंबर प्रिंटेड आ रहा है। तो ये भी धीरे धीरे जैसे डेवलप होगा उस हिसाब से इसका इसमें फीचर्स लाते रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको चेक पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की चेकबुक के बारे में डिटेल्स दे सकाऊंगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी मैं इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।